जो कोई भी दानवों से लड़ता है उसे यह देखना चाहिए कि वह दानवों से लड़ते लड़ते स्वयं भी दानव ना बन जाए। जब आपको ज्यादा देर तक अंधेरे से लड़ना पड़ता है तो वह अंधेरा आप में भी समाने की कोशिश करता है। इंद्रियां समय समय पर धोखा देती हैं और यह बुद्धिमानी है कि कभी भी हम उन पर पूर्ण विश्वास ना करें जिन्होंने हमें एक बार भी धोखा दिया है। सड़क पर हम जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अंदर से खाली हैं, यानी वे वास्तव में पहले ही मर चुके हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसे ना देखते हैं और ना जानते हैं। यदि हम जानते कि कितने लोग वास्तव में मर चुके हैं और कितने ऐसे मरे हुए लोग हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं तो हम भय से पागल हो जाते। संसार में व्याप्त छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी यह मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। किसी बात को केवल इसलिए प्रामाणिक ना माने क्योंकि यह किताबों में लिखा है, क्योंकि यदि कोई झूठा अपनी जबान से धोखा दे सकता है तो वह अपनी कलम से भी ऐसा करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगा। मुझे ऐसे मित्र की जरूरत नहीं है जो मेरे साथ साथ बदले और मेरी हाँ में हाँ भरे। ऐसा तो मेरी परछाई कहीं बेहतर कर लेती है। जीवन भर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मूर्ख बनाएंगे, आपका अनादर करेंगे और आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। जो कुछ भी करते हैं ईश्वर को उनसे निपटने दें। स्वयं व्यर्थ की चिंता में मत पड़ें, अन्यथा आपके हृदय की घृणा आपको भी भस्म कर देगी। मैंने बहुत पहले सीखा है कि कभी भी सुअर के साथ कुश्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप गंदे हो जाओगे, लेकिन सुअर इसका लुत्फ उठाएगा। यदि आप किसी चीज या किसी को भुलाना चाहते हैं तो उससे कभी घृणा ना करें। वह सब कुछ और हर कोई जिससे तुम घृणा करते हो तुम्हारे हृदय पर अंकित है। अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी को भुलाना चाहते हैं तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है तो अच्छी तरह से यह देखें कि वह अपने से कमजोर व्यक्तियों के साथ कैसा बर्ताव करता है, ना कि अपने समकक्षों के साथ। लोगों के प्रति आपका रवैया एक विकल्प है, खुशी एक विकल्प है, आशावाद एक विकल्प है, दया एक विकल्प है, देना एक विकल्प है, सम्मान एक विकल्प है। आप जो भी चुनते हैं वह आपका निर्माण करता है, इसलिए बुद्धिमानी से चुने। आपकी वर्तमान परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं, वे केवल यह निर्धारित करती हैं कि आप कहां से शुरू करते हैं। हालांकि कोई भी पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी फिर से शुरुआत तो कर ही सकता है और एक नया अंत कर सकता है। टपकती पानी की बूंद बूंद भी पत्थर को खोखला कर देती है, बल से नहीं बल्कि दृढ़ता से। मन कोई बर्तन नहीं जिसे भरना है, बल्कि एक आग है जिसे जलाना है। यह याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि जब आपका दिन, महीना या साल खराब चल रहा हो, चीजें बदल जाएंगी। आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। और वैसे भी कभी कभी सीखने के लिए सबसे कठिन सबक वे होते हैं जिनकी आपकी अंतरात्मा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरा मानना है कि आप वास्तविक आनंद तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आपको दिल का दर्द महसूस ना हो।
आपको जीत का एहसास तब तक नहीं हो सकता जब तक आप यह नहीं जानते कि असफल होने का क्या मतलब है। आप यह नहीं जान सकते कि पवित्र महसूस करना क्या होता है जब तक आप यह नहीं जानते कि वास्तव में बुरा महसूस करना कैसा होता है। और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप दोबारा जन्म नहीं ले सकते। आप यहां केवल एक छोटी यात्रा के लिए हैं। हड़बड़ी मत करो, चिंता मत करो और रास्ते के सफर के दौरान फूलों का आनंद लो। किसी के जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में एक दिया जलाना सीखें। वह प्रकाश बने जो दूसरों को देखने में मदद करे। यह वही है जो जीवन को उसका गहनतम महत्व देता है।